अयोध्या से खबर है जहां श्री राम मंदिर का निर्माण तेजी से चल रहा है और मंदिर के फर्स्ट फ्लोर में 13 दरवाजे लगेंगे और रामलला के गर्भगृह में एक बड़ा दरवाजा लगेगा, यानी कि कुल 14 दरवाजे लगाए जाएंगे। और साथ ही मंदिर का जो प्रथम तल है जनवरी 2024 को दर्शन के लिए इसे खोल दिया जाएगा, ये जानकारी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में दी गई। देखिए रिपोर्ट। अयोध्या का श्री राम मंदिर, भव्य मंदिर, वो मंदिर जिसका सभी को इंतजार है। श्री राम मंदिर का निर्माण तेजी से चल रहा है, प्लिंथ का काम करीब करीब पूरा होने वाला है, क्योंकि राम मंदिर के लिए तराशी गई शिलाओं को तांबे की पत्तियों से जोड़ा जा रहा है। श्री राम मंदिर की 3 मंजिला इमारत के फर्स्ट फ्लोर पर 14 दरवाजे लगाए जाएंगे। गर्भगृह के दरवाजों के अलावा 13 और दरवाजों पर किस तरह की डिजाइनिंग होगी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में चर्चा हुई। मंदिर बन रहा है तो उसमें दरवाजे भी लगेंगे, तो दरवाजों में ऐसे 14 दरवाजे हमारे ग्राउंड फ्लोर पर लग रहे हैं। गर्भगृह के दरवाजे के साथ साथ 13 दरवाजे और लगेंगे। उन दरवाजों पर भी कैसे दरवाजे हों, उसकी डिजाइनिंग कैसी हो, इस पर भी चर्चा हुई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ट्रस्ट की बैठक में चेक बाउंस का भी मुद्दा उठा, जिस पर ट्रस्ट ने साफ किया कि ऐसी कोई जानकारी नहीं। हमने पहली बार ही कहा था कि 3200 करोड़ की धनराशि देश के राम भक्तों ने सभी ने समर्पित किया है और वो हमारे बैंक खाते में आ चुकी है, इसकी घोषणा की गई थी। बैंक बाउंस चेक का विवरण कहाँ से आपको मिला, ये अभी मेरे पास हम नहीं आया है, क्योंकि ये एक बैंक नहीं पूरे देश भर के बैंकों में गया था इसका डाटा। इतने आसानी से सुलभ हो जाना आपको कहाँ से मिलता है, मैं नहीं बता सकता। हमारे देश के बड़े श्रद्धालु, अच्छे दानदाता कभी कभी चेक तो भेज देते हैं, हस्ताक्षर करना भूल जाते हैं, कभी कभी उसका डेट गलत लिख देते हैं, कभी कभी उसको लिखने में उसको रिपीट कर देते हैं, इन सब बातों से चेक बाउंस हुआ करते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। राम मंदिर की प्लिंथ के निर्माण का 40% का काम पूरा हो गया है और गर्भगृह और रिटेनिंग वॉल का काम एक साथ चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।